तो आज मैं बनाने वाली हूँ मंचूरियन, और ये मंचूरियन ना मैं अपने मन से बना रही हूँ, मतलब मैंने किसी का वीडियो नहीं देखा है। हाँ मुझे पता है ऐसा ही होता है, लेकिन मैं थोड़ा सा अपने से बना रही हूँ। तो मैंने 2 पैकेट इसमें सोयाबीन लिया है, और इसमें से ना हम जो गर्म पानी है इसको निकाल लेंगे, जिससे कि हमें हाथ में ना लगे, क्योंकि जितना भी सोयाबीन ने पानी को सोप किया है वो सारा पानी हमें हाथों से मसल के निकालना है, और एकदम बारीक बारीक कर लेना है। तो फिर मेरे पति भी आ गए हैं मेरे हेल्प करने के लिए, और फिर मैंने इस ग्राइंडर के जार में डाल के घुमाया एक बार, और काफ़ी अच्छा देखो बारीक बारीक हो गया है। हमें इस तरीके का ही बारीक रखना है। फिर इसमें प्याज लहसुन और हरा मिर्च थोड़ा सा कट करके हमने डाल दिया है, बारीक बारीक काटा है हमने प्याज लहसुन दोनों। इसमें 2 चम्मच बेसन डाला है, और थोड़ा सा हमने कॉर्नफ्लोर डाला है। अब इसको काफ़ी अच्छे से हम हाथ से ना मिक्स कर लेंगे, और फिर इसमें हम लोग स्वाद अनुसार नमक डालेंगे, और थोड़ा सा हम इसमें हल्दी ऐड करने वाले हैं, और थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर। और मैंने गैस पे तेल गरम होने के लिए बिठा दिया है, बस मैं थोड़ा सा चेक कर रही थी कि गरम हुआ है कि नहीं। फिर गरम हो गया है तेल, और हमें छोटा छोटा गोल गोल बना लेना है। और ये इतना टेस्टी हुआ था ना खाने में, एक बार आप ज़रूर बनाएं घर में। और आप ना इसको कैसा भी शेप दे सकते हो, मैंने गोल वाला शेप दिया है, क्योंकि मंचूरियन गोल वाला ही होता है, इसलिए मैंने गोल वाला शेप ही दिया है। और मैं 2 बार में ही इसको बनाने वाली हूँ, क्योंकि एक साथ नहीं जाएगा। और ये अचानक से तेल में छोड़ के चले गए, और मैं एकदम से डर गई क्योंकि तेल थोड़ा से छीट के आया था। आप लोगों को मैं बता दूँ कि अगर कोई भी पूरी तल रहे हो, या फिर कोई भी चीज़ अगर आप तल रहे हो, तो एक ही जने तले, ये 2 जने 3 जने तलोगे तो फिर एक ना एक के ऊपर ना मतलब तेल छीट के ज़रूर आएगा। तो इसलिए ना आप ट्राई करें कि एक ही जने एक ही काम करें। और फिर हमने सारा जो गोला है वो हमने बना लिया था, और उसी तेल में ना मैंने थोड़ा सा कैप्सिकम जो है इसको फ्राई कर लूँगी, थोड़ा जला जला वाला फील आना चाहिए। और फिर मैंने लास्ट में ना प्याज डाला है, जो मैंने क्यूब क्यूब में कट करके डाला है, और ना मैंने लास्ट में टमाटर डाला है, क्योंकि टमाटर जो है ना वो जल्दी पिघल जाता है, तो इसलिए हमें टमाटर को ना एकदम पिघलाना नहीं है, लास्ट में डालना है सबसे। और देखो मेरे पास ना ये बनी बनाई मंचूरियन ग्रेवी था, ये मैं लेके आई थी स्मार्ट पॉइंट से। ये इतना अच्छा है ना, मैं आप लोगों को क्या ही बोलूँ। ग्रेवी ना बनाने की ज़रूरत नहीं है, ये बहुत आसान तरीका है मंचूरियन बनाने का। तो फिर मैंने क्या किया, उसी ग्रेवी में मैंने ये टमाटर प्याज और जो शिमला मिर्च काटा था वो भी डाल दिया, और लास्ट में मैं डालने वाली हूँ धनिया पत्ता। और ये सारे मंचूरियन मैंने इसमें डाल दिया है, बस ऑलमोस्ट हो गया है, बस इसमें मैं धनिया पत्ता ऐड करूँगी, तो फिर हमारा मंचूरियन बन के रेडी हो जाएगा। और आप लोग ऐसा ना घर में ज़रूर ट्राई कर सकते हैं। जो लोग नॉनवेज खाते हैं वो आप चिकन से बना सकते हैं, जो लोग वेजिटेरियन हैं वो सोयाबीन से बना सकते हैं, और ये इतना यम्मी बना था ना गाइस, मैं बता नहीं सकती। तो हमारा घर पर बना हुआ मंचूरियन रेडी हो गया है, लो ये गया सीधे मेरे मुंह में। बहुत ही लजीजदार, बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट मंचूरियन घर पर बनाया हुआ, बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट है। उसमें तो ये बॉल कौन सा वाला है, किसका है बॉल, किसका? ये सोयाबीन का है, सोयाबीन ग्राइंड करके बनाया, बहुत ही ज़बरदस्त लगा है सच में, मैं बोल नहीं पा रहा हूँ।